हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं सभी लोग? तो देखिएगा भैया, अभी हम लोग यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के, है ना, इंडियन हिस्ट्री के हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास करवा चुका हूँ, है ना। अब हम लोग इसकी सेकेंड क्लास देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्लास टू देखेंगे, क्लियर। तो आई होप जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए थे वो आप सभी लोगों को बन गए होंगे, क्लियर। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था। क्या क्वेश्चन था भैया वो? वो क्वेश्चन ये था कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल, है ना, कुल कितने तीर्थंकर थे, कुल कितने तीर्थंकर थे। तो ध्यान रखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो कुल तीर्थंकर थे जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में, वो कितने थे सर? 24 तीर्थंकर थे। कितने थे टोटल? 24 तीर्थंकर, मतलब ऑप्शन सी हो गया यहाँ से करेक्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पहले तीर्थंकर कौन थे, पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म में, तब आपका आंसर क्या होगा सर? ऋषभ देव। तब आपका आंसर क्या होगा? ऋषभ देव। क्लियर हो गया? ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 23rd, देखो हमको सिर्फ तीन याद रखने, पहले और 23वें और 24वें, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तब आपका आंसर क्या होगा सर? पार्श्वनाथ। तब आपका आंसर क्या होगा? पार्श्वनाथ। क्लियर हो गया? ठीक। अगर आपसे ये चीज पूछ लिया जाए कि 24वें कौन थे, 24th तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे सर महावीर। वो कौन थे? महावीर। क्लियर हो गया सभी लोगों को? कौन थे? महावीर। क्लियर। तो देखो एक ही क्वेश्चन से आपके तीन और क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस स्लाइड में मैंने आपको चार क्वेश्चन बता दिए क्या, कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, तो सर 24। पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव। 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन से थे? महावीर। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। बौद्ध धर्म में, है ना, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? किसके शासन काल में दिए गए थे? दोनों के, है ना, मतलब बौद्ध धर्म का भी पूछा जा रहा है और जैन धर्म का भी। तो दोनों के उपदेश दिए गए थे सर बिंबिसार। किसके इसमें दिए गए थे? बिंबिसार के इसमें। क्लियर हो गया सभी लोगों को? कभी भी अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा सर कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो उपदेश थे वो दो, ये दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। क्लियर है सर सभी लोगों को? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था भैया, किसने करवाया था? सभी लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा क्या कि चंदेलों ने, लेकिन भैया चंदेलों ने तो खजुराहो मंदिर को करवाया था, क्लियर ना। चंदेलों ने किसका निर्माण करवाया था? खजुराहो का जो मंदिर है मध्य प्रदेश में, क्लियर ना, एमपी में, वो करवाया था किसने? चंदेलों ने। लेकिन दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो करवाया था सर किसने? चालुक्य और सोलंकियों ने। क्लियर हो गया सभी लोगों को? जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर क्या होगा? चालुक्य या सोलंकियों ने। क्लियर है सर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो यहाँ पर प्राचीनतम राजवंश की बात हो रही है, तो कौन सा होगा सर? मौर्य वंश। कौन सा होगा? मौर्य वंश। मौर्य वंश का काल कब से कब तक था? 322 से लेके 185 ईसा पूर्व। क्लियर हो गया सभी लोगों को? क्वेश्चन आता है ऐसा कि इनका जो काल था वो कब से कब तक था, तो 322 से 185 ईसा पूर्व। क्लियर। चल, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका। तो भैया ध्यान रखिएगा कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ध्यान रखिएगा सर, कनिष्क। किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, ठीक है ना। चरक और नागार्जुन, ये और लिखा है, ठीक है ना, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो नागार्जुन है इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में कि भारत का
आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या होगा सर? नागार्जुन। तब आपका आंसर क्या होगा? नागार्जुन। क्लियर? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये क्वेश्चन क्लियर है ना, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? क्या आंसर होगा सर इस क्वेश्चन का, बताइएगा क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समुद्रगुप्त। क्या होगा आंसर यहाँ पर? समुद्रगुप्त, सॉरी कनिष्क। क्या आंसर होगा? कनिष्क। ठीक है, शक संवत ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, अशोक, कनिष्क, हर्ष या फिर समुद्रगुप्त। तो ध्यान रखिएगा, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो कनिष्क के। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गई शक संवत के प्रारंभ की बात। अगर मैं आपसे पूछूं विक्रम संवत की, तो अगर मैं आपसे पूछूं विक्रम संवत की तो तब क्या होगा? 58 ईस्वी। ठीक है ना, 58 ईस्वी। क्लियर है सर? ठीक है, आगे बढ़े। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था कौन सा था सर? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या फिर गुप्त काल? क्या आंसर होगा? तो भैया अगर स्वर्ण युग की अगर बात हो रही है, भारतीय संस्कृति के स्वर्ण युग की अगर बात हो रही है, तो वो है सर गुप्त काल। वो कौन सा है? गुप्त काल। गुप्त काल का जो समय था वो कब से कब तक था सर? 319 से 540 ईस्वी। क्लियर है सर? ठीक है, 319 से 540 ईस्वी गुप्त काल, जो कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो क्या आंसर होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन है विष्णु शर्मा, चंदंबरदाई, हरिशयन या फिर कालिदास। तो आंसर क्या होगा सर? कालिदास। क्लियर ना? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन है कि कालिदास जो है वो किसके शासनकाल में थे, मतलब किसके शासनकाल के समय कालिदास थे? तब आपका आंसर क्या होगा सर? विक्रमादित्य। है ना, तब आपका आंसर क्या होगा? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। क्लियर हो गया सभी लोगों को? क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, अच्छा, कालिदास ने एक और लिखी है क्या? मेघदूतम। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है मेघदूतम। मेघदूतम। क्लियर हो गया सभी लोगों को? मेघदूतम के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर पाल? किसके काल के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या फिर पाल काल? तो भैया ध्यान रखिएगा, गुप्त काल के समय। है ना, जब गुप्त वंश था तब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, अगर नाम पूछा जाए तो क्या नाम है उनका, तो एक गुप्त वंश के शासक थे क्या सर? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी, तो कुमार गुप्त ने करी थी। क्लियर है? ठीक है, चलो तो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं। है ना, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो सभी लोग भैया लाइक करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा, और कमेंट में आप लोगों को फीडबैक देना है कि क्लासेस कैसी लग रही है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। क्लियर? और सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर? आपको चैनल को शेयर भी करना है ना, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, कज़न वगैरह में आप लोगों को शेयर करना है, और उन्हें भी एक बार चैनल को विजिट करने को कहना है और सब्सक्राइब करने को कहना है। क्लियर हो गया सर? चलिए तो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।